दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिसकी खूबसूरती को बयां करने के लिए शब्द ही नहीं मिलते। आज ऐसी ही एक जगह पर आपको लेकर चल रहा हूँ। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इटली सीरीज। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको उस जगह पर लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर जाने के लिए मैं इस ट्रिप पर आया था, द डोलोमाइट्स। आज के इस एपिसोड में इस खूबसूरत माउंटेन रेंज की एक छोटी सी हाइक मैं करूँगा और आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। साथ मिलकर देखते हैं इस एपिसोड को और इसकी शुरुआत करते हैं आज सुबह से। Ayurveda. But however, everybody's their voice. She made a no, fine. Not quite, but fine. That was it! It's okay. Sorry. Where do I keep it? तो जी, पहला स्टॉप था मेरा इस जिलाती पर। वहाँ से मैंने पानी लिए हैं। दो तीन चीज़ें ना मैं आपको बता देता हूँ इन शहरों के बारे में, ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर आप दोपहर में 1-1.30 बजे से पहले लंच नहीं कर लेंगे तो आपको जो दोबारा खाना मिलेगा वो 5-6 बजे के बाद ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोपहर में ना दुकानें बंद होने का रिवाज है। और दूसरा, यहाँ पर जो पानी है वो जितना नॉर्मल पिया जाता है उतनी ही मात्रा में लोग फिज वाला यानी स्पार्कलिंग वाटर भी यूज करते हैं। तो कल मैंने यहाँ पे नॉर्मली पानी खरीदा, उसका बॉटल पड़ा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था नेचुरल वाटर। मैं उठा करके लेकर चला गया, घर जाकर के मुंह में डाला तो देखा कि स्पार्कलिंग वाटर था, जो कि थोड़ा थोड़ा सोडा जैसा लगता है टेस्ट में, क्योंकि एक्चुअली उसके अंदर सोडा होता है। तो इस पे लिखा होता है फ्रिजांते, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि फ्रिजांते ना लिखा हो और नेचुरल लिखा हो उसके ऊपर, वो अलग बात है। कि कल मैं 6 बॉटल स्पार्कलिंग वाटर लेकर के चला गया था और जब से मैं इसको पी रहा हूँ, मैंने सोचा अब ले लिया तो पी तो लेता ही हूँ, रात में कुछ और था नहीं मेरे पास। वो पीते पीते मुझे इसकी इतनी लत हो गई है, आदत पड़ गई है, मैं यही खरीद के अब यही पी रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं ये कितना हेल्दी है नहीं है, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में, बट अभी अच्छा लग रहा है तो पी रहा हूँ। मुझे तो तेरी लत लग गई। पहाड़ों की बात ही कुछ और होती है। नहीं यार, वैसे मैं पहाड़ों का बंदा हूँ नहीं, क्योंकि मैं समुंदर, बीचेस, ये सब ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन फिर भी यार, पहाड़ों की बात ना कुछ होती है यार, मतलब कुछ अलग ही मज़ा आ जाता है नहीं पहाड़ों में आकर के। ओके, सो 12 किलोमीटर और रह गए हैं। 35 किलोमीटर की जर्नी थी ये पूरी, 1 घंटे 5 मिनट दिखा रहा था, अब सिर्फ 24 मिनट रह गए हैं, 12 किलोमीटर बाकी है। मेरे ईयर्स पॉप हो रहे हैं, मतलब बेसिकली काफ़ी अच्छी एलिवेशन पे आ गया हूँ मैं। मज़ा तो बहुत आ रहा है गाड़ी चलाने में, बस ये ईयर पॉप हो रहा है थोड़ा सा, वो बस दुख रहा है। ये जो रास्ता है, ये रास्ता त्रेची में कहते हैं, थ्री पीक्स को, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ तक तो जाता ही है, बट यही रास्ता ऑस्ट्रिया भी जाता है। मतलब ये एक्चुअली हाईवे है, अगर आप इटली से ऑस्ट्रिया जाना चाहो तो यही रास्ता है जो आपको सीधा ऑस्ट्रिया में लेकर के चला जाएगा। और ये रास्ता सीधा मिलेगा इंसब्रुक में जाकर, आप मतलब त्रिशेमे पर इंसब्रुक एयरपोर्ट पे अगर आप लैंड करते हो तो वहां से भी गाड़ी रेंट करके आ सकते हो। हालांकि सबसे क्लोजेस्ट एयरपोर्ट जो है इस जगह पे आने का वो है वेनिस एयरपोर्ट, बिकॉज वेनिस से ये बहुत ही नजदीक पड़ता है। मेरी फ्लाइट मिलान की थी और मिलान की फ्लाइट मुझे सस्ती पड़ रही थी, इसलिए मैं मिलान से आ गया यहाँ पर। मिलान से यहाँ पर जो है करीब 4.5-5 घंटे की जर्नी पड़ती है और वेनिस से करीब 2.5-3 घंटे की जर्नी पड़ती है। तो क्लोजेस्ट एयरपोर्ट इज वेनिस, बट आप इंसब्रुक से भी आ सकते हैं इसी हाईवे के थ्रू। ये है लेक मिसुरीना, जो कि यहाँ का एक काफी ही फेमस स्पॉट है और यहाँ से वो आपको सारे पीक्स जो है बहुत अच्छे से दिखते हैं। और यहाँ पर है ये एक पार्किंग। दिस इज लेक मिसुरीना, लुक एट दिस व्यू। जब लोग त्रेची में की तरफ जा रहे होते हैं तो ये जो लेक मिसुरीना है, यहाँ पर लोग एक स्टॉप लेते हैं और यहाँ पर रुक कर आप
इधर इस तरफ काफ़ी सारे कैफेज़ वगैरह हैं, वहाँ पर आप नाश्ता वास्ता कर सकते हैं, होटल्स भी हैं यहाँ पर, आप अपना स्टे बना सकते हैं, अपना बेस बना सकते हैं। ये जो जगह है वो करीब 1400 मीटर के एलिवेशन पर है, मैं जहाँ रह रहा हूँ वो करीब 700 मीटर के एलिवेशन पर, तो करीब 700 मीटर ऊपर है, तो आपका जो एक्मेटाइजेशन है वो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा अगर आप यहाँ पर आकर के एक दो दिन गुजारते हो तो। और यहाँ से अगर आप आगे चढ़ाई शुरू करोगे तो आपका जो डिफरेंस ऑफ एलिवेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो, बट मैं चूंकि लास्ट मोमेंट पर ट्रैवल किया था मैंने, तो यहाँ के जितने भी आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे सोल्ड आउट है। आपको दिख रहा होगा कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये गाड़ियाँ कहीं जाने वाली नहीं है, ये इन्हीं के यहाँ रह रही हैं, ये फैमिलीज जो हैं इनमें से शायद 20-30% ही होंगे जो यहाँ पर डे ट्रिप्स पे हैं, बाकी सारी जो है वो यहाँ के अकोमोडेशन में रुकी हुए लोग हैं। अब एक्चुअली यहाँ से जो है वो एक्चुअल चढ़ाई शुरू होगी, यहाँ से जो आगे का 10 किलोमीटर का रास्ता है वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, करीब 1 किलोमीटर का एलिवेशन लेंगे, 1000 मीटर्स का करीब एलिवेशन है, और उसमें तो पता नहीं और ईयर कितने ज़्यादा पॉप होंगे, और वो एक्चुअल चढ़ाई है। लेट्स गो, आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। रास्ते पे देखो ये मतलब लेक के जस्ट बगल में ये जो पार्किंग्स हैं इसमें कितने सारे मोटर होम लगे हुए हैं, बहुत ही फेमस स्पॉट है ये कैरावैनिंग के लिए, देखो कितने सारे मोटर होम्स लगे हुए हैं, खड़ी चढ़ाई आ गई ये देखो। मुझे लगता है पार्किंग के 30 यूरो लगते हैं यहाँ पर, और वो अभी 4.9 किलोमीटर और रहता है वो पार्किंग स्पॉट। हाय, दिस इज फॉर द पार्किंग राइट? या सो आई हैव टू पे देयर एज वेल? नो पेमेंट देयर? या सो पार्किंग के पैसे यहीं पे 5 किलोमीटर पहले दे सकता हूँ। बेसिकली ये जो रास्ता है वो रास्ते पे आप जा ही नहीं सकते बिना 30 यूरो देने, चाहे आप वहाँ आधे घंटे पार्किंग करो। सो टेक्निकली मतलब आपको इस त्रेचीमे पे पहुँचने के लिए 30 यूरो खर्च करने ही पड़ेंगे। टिकट हियर, ऑलराइट थैंक यू। अनलेस आप हाइक कर रहे हो, अगर आप हाइक कर रहे हैं पैदल चल के ऊपर जा रहे हैं ऐसे जंगलों की तरफ से, तो आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आप कार से आ रहे हैं अपनी रेंटल कार से या कोई भी प्राइवेट कार से, तो आपको 30 यूरो तो देने ही पड़ेंगे। और अगर आप कैंपर वैन में आ रहे हैं तो करीब 45 यूरो है, और बाइक के लिए शायद 20 या 25 यूरो था, और कुछ इस तरीके की टिकट है, ये निशान बना हुआ है, इस निशान से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मशीन के अंदर जाएगी, तो इसको संभाल के रखना है बेसिकली। एंड आई एम वेरी वेरी गुड इन लूजिंग दोज टिकट्स, इसलिए मेरे को तो और थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ेगा। ऑल राइट, भैया कभी कभी लॉक हो जाता है ये। सो ये रहा पार्किंग का हिसाब किताब, देख रहो लाइन से लगी हुई गाड़ियाँ। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं इतने ऊपर तक भी मेरे को पार्किंग मिल गई है, वरना लोग वहीं वहीं पर लगा दे रहे हैं, उतना चल करके आना पड़ता मेरे को। और व्यू देखो, पर जो एक्चुअल व्यू है यार वो तो त्रिची में का यहाँ है। गाड़ी यहाँ पर लगा दी मैंने और मज़ा आ रहा है मुझे, क्योंकि भगवान ने मेरी सुन ली है, धूप नहीं है, बादल आ गए हैं, हालांकि बादल मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बस भगवान मेरी इतनी ही सुनना कि सिर्फ बादल तक रखना, बारिश तक नहीं करना, धूप भी आ रही है बीच बीच में, ठीक है चलो धूप छाव का खेल होता रहेगा। वैसे नाम जो है त्रिची में दे लबरेदो है, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो, जिसका मतलब होता है थ्री पीक्स। और ये सबसे पहला स्टॉप है पार्किंग का, जहाँ पे ये रिफ्यूजियो ओरंजो है। रिफ्यूजियो मतलब होता है रिफ्यूज शेल्टर, जो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे यूज़ करते थे सारे ये मिलिट्री वाले लोग, इन जगहों पर शेल्टर लेते थे वो। अब ये सब चेंज होकर के माउंटेन हट्स बन गए हैं और टूरिस्ट स्पॉट्स बन गए हैं। तो ये पहला है रिफ्यूजियो ओरंजो, जहाँ पर आपको वॉशरूम मिल जाएगा जो कि मैं यूज़ करने आया हूँ। वॉशरूम के साथ साथ यहाँ पर खाने पीने का हिसाब किताब भी है, पानी वानी भी मिल रहा है, दारू वारू भी मिल रही है, आप प्रॉपर यहाँ बैठ के खाना खा सकते हो। इस खूबसूरत व्यू के साथ आप इस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सकते हैं, पर मुझे खाना नहीं खाना था, मैं खा के आया हूँ। या सो ये एक अच्छा स्टॉप है, टॉयलेट्स के साथ सारी सुख सुविधाएँ यहाँ पर है। और यहाँ से शुरू होती है ये हाइक, मुझे वहाँ से सिर्फ एक पानी लेना था, एक आधा लीटर मेरे पास है और एक आधा लीटर और ले लिया मैंने, पानी होना चाहिए बिकॉज हाइक में और कुछ चाहिए हो या ना हो पानी जरूर होना चाहिए आपके पास। और ये रहा हाइक शायद, यस ऐसे जा रहा हाइक, देखो ये दिख रहा है लोग चलते हुए जा रहे हुए दिखते रहे होंगे। सो यह शुरुआत होती है इस खूबसूरत से हाइक की, एंड वेलकम टू त्रिची में द लबरेदो, जिसका मतलब होता है थ्री पीक्स। जैसा कि लोगों का कहना है ये इटालियन एल्प्स की सबसे खूबसूरत पीक है, सबसे खूबसूरत शिखर है,
और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि स्विट्जरलैंड जो है वो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है. एक्चुअली ओवररेटेड नहीं है, है तो वो बहुत खूबसूरत, लेकिन जितनी भीड़ वहाँ पर जाती है या तो उतनी ही भीड़ यहाँ पर भी आनी चाहिए, या फिर चूंकि इतनी भीड़ वहाँ जाती है इसीलिए वो जगह शायद अब उतनी मज़ेदार नहीं रह गई है, क्योंकि जहाँ इतने सारे लोग होना कि आपको हर चीज़ के लिए क्यों में खड़ा होना पड़े, तो फिर मज़ा नहीं आता यार उन जगहों को घूमने का. और बाकी ये बात में कितना दम है मेरे, आगे देखते हैं जो सिनेमैटिक शॉट्स आएंगे उसमें. फिलहाल नज़ारा कुछ ऐसा है. ओके, सो अभी तक फिलहाल बहुत नॉर्मल हाइक है, कोई खास थकान वकान हो नहीं रही है. आई होप आगे भी ऐसे ही रहेगा. काफ़ी सारे लोग ना वापस आ रहे हैं, जो कि मेरे होस्ट ने बताया था मुझे, एयरबीएनबी होस्ट ने, स्टेफानो ने, कि या तो एकदम सुबह सुबह पहुंच जाओ 8 बजे तो पार्किंग एकदम इजली मिल जाएगी, या फिर 2-2.5 बजे के आसपास पहुंचना शुरू करो, क्योंकि 2:30 बजे तक ना लोग यहाँ से वापस होने लगते हैं. वॉक शुरू किए हुए, हाइक शुरू किए हुए मेरे को लगता है 15 से 20 मिनट हुए होंगे. उसके बाद एक छोटा सा चर्च आ जाता है जो कि एज ए शेल्टर का काम कर रहा है. पर यहाँ तक की जो हाइक है ना वो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ी फ्लैट सी है, कहीं थोड़ी सी अप है कहीं थोड़ी सी डाउन हिल है, तो बड़ी फ्लैट सी है, तो इतनी कोई खास थकान आपको होगी नहीं. एंड मेरी जो सांस ये फूल नहीं रही है, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ, बस थकता तो मैं हुई नहीं ना. लोग अपने छोटे छोटे डॉग्स के साथ, मतलब बड़े डॉग्स के साथ तो यहाँ पर लोग हाइक कर ही रहे हैं, लेकिन जो अब छोटे छोटे डॉग्स हैं ना, टॉय ब्रीड्स, उनके साथ भी लोग हाइक कर रहे हैं. आई डोंट नो, टॉय ब्रीड्स इतना ज़्यादा हाइक कर सकते हैं पता नहीं, या फिर ये हाइक बहुत ही नॉर्मल है, जो भी है. बट जितना मैंने अभी तक हाइक किया है इसको मैं डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं कह सकता, मॉडरेट भी नहीं कह सकता, ईजी ही कहूँगा. और व्यूज़ जो हैं उस हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं. मस्त घंटियाँ बज रही है ना एकदम. वो जो मूवी थी DDLJ, उसमें स्विट्जरलैंड में वो घंटी खरीदता ना शाहरुख खान, तो एक्चुअली यूरोप में जो है ना घंटियाँ बांध करके रखते हैं गाय के गले में. मैंने पर्सनली पहले कभी नहीं देखा था ये, पर अभी जब आवाज़ आ रही है ना तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है. ये देखो ऐसा लग रहा है सिंक में बजा बजा करके गर्दन हिला रहे हैं ये. एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, लोग मास्क अपने डॉग्स के साथ हाइक कर रहे हैं. इतना भी आसान नहीं है, कहीं कहीं पर ठीक ठाक अपहिल था तो लग गए थोड़े से, पर धूप जो है वो भी चली गई है जस्ट, तो पूरी जान में जान आई है. प्लस ये जो ड्रोन्स की बैटरीज होती हैं ये बहुत भारी होती हैं यार. जब मैं बिना ड्रोन के ट्रैवल करता था ना, एक ज़माना था वो भी, तब कितना मज़ा आता था यार, 10-10 दिन में पूरी कंट्री नाप देता था. सेकंड स्टॉप तक पहुंच गया हूँ, जो कि सेकंड रिफ्यूज जो है ये रहा, जो त्रिची में लब्रेडो जो नाम है उसमें से, ये जो दूसरा रिफ्यूज है उसका नाम है लब्रेडो. और रिफ्यूज के बारे में जैसे मैंने बता दिया आपको कि रिफ्यूज शेल्टर पनाह, एज अ पनाह इस्तेमाल किए गए थे World War I के दौरान पे, जब आर्मी जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया की इधर आ रही थी. और एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के वक्त पे ये जगह जो थी वो ऑस्ट्रिया के अंदर थी, और इसी वजह से काफ़ी सारे लोग अभी भी इस इलाके में जर्मन बोलते हैं. पर आप होटल वगैरह में जाओगे तो आपको इटालियन में थैंक यू के साथ साथ इंग्लिश में तो मिलेगा ही, जर्मन में भी मिलेगा आपको, हर जगह पर डंक ऑफ विडरजेन ये सब आपको देखने को मिलेगा. हाय, डॉग ने मेरे को कैमरे में बात करते देखा और एकदम से मेरी तरफ आ गया ना, उसको भी व्लॉगिंग करनी है. तो ये रहा फाइनली लब्रेडो, काफ़ी भीड़ है क्योंकि ये भी एक शेल्टर है. मैं भी कोई जगह ढूंढ करके पहले बैठता हूँ. यहाँ तक तो रास्ता एक्चुअली बहुत आसान था, यहाँ तक आने में मुझे लगे करीब 20-25 मिनट, और वो भी इसलिए लगे क्योंकि मैं बीच बीच में थोड़ा सा फिल्म करता हुआ रहा था. अगर आप एक बार में चलते आएंगे तो मुझे लगता है 15-20 मिनट में आप पहुँच जाएंगे यहाँ पर. तो यहाँ से जो रास्ता है वो टफ है, यहाँ तक तो आप आ सकते हो, इस व्यू तक तो आप ईजिली आ सकते हो आप किसी भी एज के हो, लेकिन जो थर्ड रिफ्यूजियो है वो थोड़ा ऊपर है जो मेन व्यू पॉइंट है. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वहाँ तक तो चला ही जाऊँ. हालांकि यहाँ से भी जो व्यू है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे. लेकिन थोड़ा अगर चिटक बिटक जाओगे तो यहाँ पर भी आप पिकनिक मना सकते हो या फिर यहीं से वापस लौट सकते हो, बहुत सारे लोग यहाँ से वापस लौट जाते हैं. लेकिन मैं थोड़ा चाहता हूँ कि थर्ड तक जाने की कोशिश करूँ, तो थोड़ा सा 5 मिनट यहाँ पर रेस्ट करके फिर आगे की पदयात्रा शुरू की जाएगी. अरे यार 5 मिनट ही गए चलते हुए,
मेरी तो हालत ख़राब हो गई। अभी तो बहुत ऊपर है, ये जो हिस्सा है वो करीब 25 से 30 मिनट का या शायद उससे भी ज़्यादा है। हे प्रभु, शक्ति का संचार करो। ये तो अच्छा है कि धूप नहीं है अभी फ़िलहाल। अरे रे रे, ये क्या हुआ, मेरे ऊपर एक बूंद बारिश आई यार। ये तो मैं बिल्कुल बीचों बीच फंस जाऊँगा, कहीं भी जाने को नहीं है शेल्टर। यार वहाँ तक चलते हैं यार, उस तरफ क्या है वो भी तो देखने को मिलेगा ना। इतने ऊपर आ ही गया हूँ तो थोड़ा सा और सही, बस भगवान बारिश नहीं कराना। धूप छाँव का खेल चल रहा है भगवान का, थोड़ी धूप निकाली है उन्होंने, बारिश तो रुक सी गई। और ये बादल जो बारिश वाले थे वो थोड़े उस तरफ चले गए, मेरे ऊपर थोड़ा खाली हो गया है, तो भगवान अच्छा तो कर रहा है मेरे साथ। और ये जो है जो शार्प पीक्स हैं, कितनी सही लग रही हैं। ये जो पीक्स हैं इनका नाम है कदीनी पीक्स, इंस्टाग्राम पे बहुत देखा होगा ये आपने। और यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, बट वो व्यू पॉइंट बड़ा रिस्की है मैंने सुना है। दोनों में से कोई एक ही कर सकता हूँ यार, मैं एक बार में इतना तो नहीं कर सकता, वो भी 2-3 घंटे की हाइक है, ये भी 2-3 घंटे की हाइक है। ओके, जो पीछे लोग हैं इनसे मेरी बात हुई, ये कह रहे हैं कि जो थर्ड रिफ्यूज है वो उस पास के नीचे जाना है और 30 मिनट का रास्ता है करीब। और जो एक्चुअल व्यू पॉइंट है वो यही है, यहाँ से ऊपर आप नहीं जा रहे हो, यहाँ से नीचे जा रहे हो। और रिफ्यूजियो पे जा करके आप बढ़िया खाना वाना खा सकते हो वहाँ पर भी, पर वहाँ तक जाने का मेरे को अब कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि रिफ्यूजियो मेरे को देखना नहीं है, क्योंकि कल मैं एक बहुत खूबसूरत रिफ्यूजियो जा ही रहा हूँ। और जितनी ऊँचाई पर मैं आ सकता था, जो सबसे ऊँची जगह थी, वहाँ तक मैं आ गया हूँ। और जो व्यूज़ हैं वो कमाल है, मतलब ऐसे आपको इसमें नहीं पता चल रहा है। अभी आपको मैं ड्रोन शॉट्स में दिखाता हूँ क्या ये जगह है यार। सम ड्रोन शॉट्स, इटली के उत्तर पूर्वी भाग में बिल्कुल ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के पास एक खूबसूरत सी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है डोलोमाइट्स। और इस डोलोमाइट्स की जो सबसे खूबसूरत शिखर है उसका नाम है त्रिची में, यानी कि थ्री पीक्स। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। मैं इस जगह पे कई सालों से आना चाह रहा था, और यहाँ आकर जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है उससे मैं ये कह सकता हूँ आप सभी लोगों को कि अगली बार जब भी इटली आए तो इस जगह पे आना मत भूलिएगा। और हाँ, साथ में गर्म कपड़े जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ मौसम बिगड़ता रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा, और डोलोमाइट की जो खूबसूरती मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था वो आप तक पहुंची होगी। उम्मीद करता हूं कि अगले एपिसोड में भी आप जुड़े रहेंगे इस चैनल के साथ, क्योंकि डोलोमाइट के अंदर एक और बहुत खूबसूरत जगह और कुछ यूनिक भी है, वो मैं वहां पर जाने वाला हूं कल, और वो आपको मैं दिखाऊंगा अगले एपिसोड में, एंड होपफुली आपको वो एपिसोड भी पसंद आएगा। सो ऐसी और ऐसी आने वाली तमाम और एपिसोड्स के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए देसी टूरिस्ट।